एके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर के पूर्व भारत के मोबाइल वैन प्रोजेक्ट के निदेशक बहुला निवासी दिलीप तुरी को उनके कार्यों से प्रभावित होकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सम्मानित करने के साथ उनकी संस्था की कार्यों की प्रशंसा किया है। मुंबई में एक कार्यक्रम में राज्यपाल ने दो एम्बुलेंस वाहन को भी रवाना किया और एके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर के चेयरमैन धर्मेंद्र कुमार, निदेशक विशाल सिंह को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कोरोना काल में पूरे भारत में अपनी संस्था की ओर से 1 करोड़ लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के साथ भोजन की व्यवस्था करने पर संस्था के सभी सदस्यों को बधाई देने के साथ ईश्वर से सेवा भावना करने के लिए शक्ति देने के लिए प्रार्थना किया। पुरस्कार पाकर दिलीप तुरी ने बताया कि सामान्य बीमा निगम भारत की कंपनी के CSR फंड से मिली दो एम्बुलेंस को राज्यपाल महोदय ने झंडी दिखाकर रवाना किया और एके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर के सभी पदाधिकारियों और टीम सदस्यों की कार्यों की सराहना किया। खबर पांडेश्वर की रिपोर्ट। मुझे अच्छा लगा और अभी कहते कि 1 करोड़ से ऊपर लोगों को हमने खाना दिया, इस कैसे किया, अकेले नहीं किया, साथ साथ मिलकर काम करें, साथ साथ काम करें, उसके कारण से समाज में जो उपेक्षित है, जो पीड़ित है, जो बीमार है, उस सबको सुविधा मिलती है और आप सब लोग अपनी संस्था के माध्यम से आप अधिक से अधिक काम करें, मुझे शुभकामना है और अच्छा काम करोगे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो जो अंतःकरण में एक सुख मिलता है, आत्मिक सुख मिलता है, वो सुख आपको मिलेगा और आपके हाथों से हमारे निजी लोग चाहे मरीज हों, चाहे गरीब हों, चाहे भूखे हों, ऐसे सब लोगों को आप सबके माध्यम से शिक्षित हों, ऐसे सब लोगों का आपके माध्यम से और सहयोग मिले, उनके दुख दूर हो, मेरी बहुत से प्रार्थना है और आप सबको धर्मेंद्र जी को विशेष करके उन सब के साथ साथ औरों भी ताकत मिले तो बहुत बड़ी ताकत है। धर्मेंद्र जी के साथ सभी का धर्म पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।